एक हाइड्रोजन बॉम्ब इतना पावरफुल होता है कि एक छोटे से देश को भी पूरी तरह से साफ कर सकता है और एक एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा लोगों की जान ले सकता है। जी हाँ, उस बॉम्ब से भी ज्यादा लोगों की, जो एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर गिराया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो पहला बॉम्ब गिराया था और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर जो दूसरा बॉम्ब गिराया था, उसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और जानते हैं कि अगर वहीं इसकी जगह हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज किया गया होता तो ये संख्या कितनी होती? तब ये संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि जब एक एटम बॉम्ब को गिराया जाता है तो ये अपने चारों तरफ एक 1.5 किलोमीटर की रेडियस का सर्कल बना लेता है, जबकि अगर इसकी जगह एक हाइड्रोजन बॉम्ब को गिराया गया होता तो ये अपने चारों तरफ अबाउट 16 किलोमीटर की रेडियस का सर्कल बना लेता, और इस रेडियस में आने वाली हर चीज बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब एक न्यूक्लियर बॉम्ब से अबाउट 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब काम कैसे करता है और ये इतना पावरफुल होता क्यों है? न्यूक्लियर बॉम्ब 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एटम बॉम्ब्स, जो कि जापान पर गिराया गया था, और दूसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं और जिसे आज तक किसी भी वॉर में यूज नहीं किया गया है। हाइड्रोजन बॉम्ब दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस अकेले एक बॉम्ब के अंदर 3 बॉम्ब लगे होते हैं। पहला एक छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब, जो कि इसके सबसे अंदर लगा होता है। दूसरा ऑर्डिनरी केमिकल बॉम्ब, जो कि इसके ऊपर लगा हुआ होता है। और तीसरा होता है फ्यूजन बॉम्ब, जो कि इसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाता है। और इन सब के बीच में भरा होता है बेरिलियम। लेकिन यहाँ इसमें ये तीनों बॉम्ब क्यों लगाए जाते हैं? एक्चुअली इसमें सबसे ऊपर लगे ऑर्डिनरी केमिकल बॉम्ब का काम इसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब को एक्टिव करना होता है, और एटॉमिक बॉम्ब एक्टिव होने के बाद फाइनली एक्टिव करता है फ्यूजन बॉम्ब को, जिससे ये इतना बड़ा धमाका पॉसिबल हो पाता है। एक एटम बॉम्ब बनाने में यूरेनियम या प्लूटोनियम का यूज किया जाता है, जिसमें उसका न्यूक्लियर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो किसी एक शहर को ही पूरी तरह से खत्म कर सकती है। क्योंकि एक एटम बॉम्ब की एनर्जी की रेडियस तो 1.5 किलोमीटर तक ही होती है, लेकिन इससे निकलने वाली अल्फा, बीटा और गामा रेज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कर देती हैं, जो कि इतने ज्यादा लोगों की जान लेने की वजह बनती है। जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए भी यूरेनियम या प्लूटोनियम का ही यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी यूज किए जाते हैं। फ्यूजन मतलब टूटना, ब्रेक होना, जो होती है एटॉमिक बॉम्ब में, जिसमें न्यूक्लियर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। इसमें न्यूक्लियर को ब्रेक होने के लिए कोई खास टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ब्रेक हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, क्योंकि इस प्रोसेस में किन्हीं 2 न्यूक्लियस को मिलाकर एक नया न्यूक्लियस बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती, मतलब 2 न्यूक्लियस आपस में टूटना तो चाहते हैं लेकिन मिलना नहीं चाहते। पर अगर कोई इन्हें मिलाना चाहे तो जिस तरह किसी लोहे को किसी आकार में बदलने के लिए उसे अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होता है, उसी तरह 2 न्यूक्लियस को मिलाने के लिए अबाउट 100 मिलियन केल्विन मतलब 9,99,00,000 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब ये टेम्परेचर सिर्फ 2 ही जगह मिल सकता है, या तो सूरज पर या फिर किसी एटम बॉम्ब के विस्फोट से। तो इसीलिए किसी हाइड्रोजन बॉम्ब में एक एटम बॉम्ब को लगाया जाता है, ताकि जो टेम्परेचर एक हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस शुरू कराने के लिए चाहिए होता है, वो वहाँ प्रोड्यूस किया जा सके। इन दोनों में मेन अंतर इसमें निकलने वाली एनर्जी को माना जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब जब 2 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को कराया जाता है। दूसरे नंबर पर इन बॉम्ब्स के बीच में बेरिलियम को इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन होती है। जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और जो आगे जाके और न्यूक्लियस तोड़ते हैं, और जिससे और ज्यादा न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो आगे जाके और ज्यादा न्यूक्लियस तोड़ते हैं, और जो और ज्यादा न्यूट्रॉन निकालते हैं, और इस तरह ये रिएक्शन बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ ये बेरिलियम न्यूट्रॉन को इस बॉम्ब के कवर से बाहर जाने से रोककर इसे मिरर की तरह अंदर ही फ्यूजन बॉम्ब पर फोकस कर देता है। तीसरे नंबर पर ऑर्डिनरी केमिकल बॉम्ब की इसमें जरूरत होती है एटम बॉम्ब को एक्टिव करना। अब जब ये बॉम्ब काम करना शुरू करता है तो क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर ऑर्डिनरी केमिकल बॉम्ब को प्रोसेस कराया जाता है, जो एक्टिव होने के बाद एटॉमिक बॉम्ब को एक्टिव कर देता है, और एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को शुरू कर देता है। अब क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो कि बेरिलियम से रिफ्लेक्ट होकर इसे बॉम्ब के कवर के अंदर इकट्ठा होकर फ्यूजन बॉम्ब पर फोकस कर देते हैं, और इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, और इतना बढ़ा देते हैं कि फाइनली 2 बॉम्ब एक्टिव होने के बाद तीसरे फ्यूजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है।
और इतनी जोर से धमाका होता है कि इससे जो 16 किलोमीटर रेडियस बनती है उसमें आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि एटम बॉम्ब की तरह हाइड्रोजन बॉम्ब में अल्फा बीटा और गामा रेज नहीं निकलती, जिससे इसमें न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होता, लेकिन उससे भी कई गुना की कसर यह सिर्फ एक ही बार में निकाल लेता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोजन बॉम्ब का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह की कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।